हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब इनफॉर्मेशन थ्री पॉइंट जीरो फ्रेंड फ्री नोटिफिकेशन आउट हुआ है उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से तो चलिए इस जॉब के बाद डिटेल्स जानते हैं और डिटेल्स जानने के लिए आपको इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना होगा ताकि आप इस जॉब के बाद डिटेल्स में जान पाए इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए क्या एज लिमिट होना चाहिए इसमें किस तरह से सलेक्शन ले सकते हैं और आप इस फॉर्म को कब से अप्लाई कर सकते हैं तो इसके बाद सारा चीज़ डिस्कस करेंगे इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं नेम ऑफ द पोस्ट उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन लेब टेक्नीशियन एंड अदर वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 इस फॉर्म को 24 जनवरी 2022 को इसको रिलीज किया गया है अब देखते हैं एप्लीकेशन फी तो देखिए किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा इंपॉर्टेंट डेट्स आप इस फॉर्म को इक्कीस जनवरी दो से अप्लाई कर सकते हैं और चार फरवरी दो तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम डेट अभी तक मैंसन नहीं किया गया है अब देखते हैं एज लिमिट तो देखिए मिनिमम एज इफ नोटिफिकेशन में मैंशन नहीं किया गया है बट मैक्सिमम एज चालीस साल होना चाहिए ओके okay? अब देखते हैं बेगेंसी डिटेल्स तो इसमें टोटल पोस्ट दो हज़ार नौ सौ अस्सी पोस्ट है जिसमें ब्लड बैंक में, में लेफ्ट टेक्नीशियन के लिए चौसठ पोस्ट, पोस्ट है बी सी टी बी में लेफ्ट टेक्नीशियन के लिए पंद्रह पोस्ट है बी एफ यू में लेफ्ट टेक्नीशियन के लिए इक्यानवे पोस्ट है कम्युनिटी प्रोसेस लेफ्ट टेक्नीशियन के लिए सोलह सौ पैंसठ पोस्ट है एन पी पी एफ में लेब टेक्नीशियन के लिए चार पोस्ट है एन पी डी एफ में लेब टेक्नीशियन के लिए दो सौ चौबीस पोस्ट है एन टी ई पी में लेब टेक्नीशियन मेडिकल कॉलेज के लिए सत्रह पोस्ट है और एन टी ई पी में एल टी आई आर एल और सी एन डी एस टी के लिए फाइव पोस्ट है तो देखिए ये सारे पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन डिग्री होना चाहिए इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ओके या फिर टेन प्लस टू इन फाइनस विद डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में ओके okay? अब देखते हैं एन ई सॉरी एन टी ई पी में एल टी प्लस सी बी एन ए ए टी एल टी के लिए टोटल पोस्ट एक सौ इकहत्तर है एन टी ई पी में देखिए सीनियर एल टी ई क्यू ए के लिए फोर पोस्ट है ओके फिनियर एल टी आई आर एल के लिए इक्कीस पोस्ट है तो ये सारे पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन एम एस सी होना चाहिए मीडिया में ओके माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ओके अप्लाइड में जनरल में माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री विथ विद और विदाउट डी एल एम टी और बी एस सी माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ओके लाइफ साइंस और विथ विदाउट डी और एन टी ई पी फीनियर एल टी फी एन डी एस टी में टोटल पोस्ट ट्वेंटी थ्री है तो इसके लिए भी फेम क्वालिफिकेशन होना चाहिए ओके और देखिए एन यू एच एम में लेब टेक्नीशियन के लिए एक सौ पचहत्तर पोस्ट है लेब टेक्नी यू फी एच फी के लिए फिक्स पोस्ट है तो ये दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन डिग्री होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी में ओके या फिर इंटरमीडिएट इन फाइन डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ओके अब देखते हैं एन टी ई पी में देखिए फीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के लिए दो सौ तिरानवे पोस्ट है जिसके लिए क्वालिफिकेशन बेचुलर डिग्री होना चाहिए या फिर सीनियटरी इंस्पेक्टर कोर्स होना चाहिए विथ टू मंथ सर्टिफिकेट कंप्यूटर कोर्स एंड वैलिड टू व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस अब देखिए फिनियर ट्रीवर लेबोरेटरी सुपरवाइजर में टोटल पोस्ट दो सौ दो है इसके लिए क्वालिफिकेशन डिग्री होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी में या फिर डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल टेक, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में ओके और टू व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए टू मंथ कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कि आप इसमें किस तरह से फे सिलेक्शन ले सकते हैं तो देखिए आप इसमें सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के थ्रू आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं और देखिए क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि जनरल यू आर और ई डब्ल्यू एफ कैटेगरी के लिए थर्टी थ्री परसेंट मार्क्स लाने हैं ओके ओ बी सी कैटेगरी के लिए थर्टी परसेंट मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ हंड्रेड एफ सी और पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स के लिए ट्वेंटी फोर परसेंट मार्क्स लाने है, out of 100. Okay? हैं आउट ऑफ हंड्रेड ओके अब देखते हैं एग्जाम पैटर्न को कि किस तरह से एग्ज़ाम लिया जाएगा सेक्शन वन में प्रोफेशनल नॉलेज डिसिप्लिन डोमेन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे एट्टी मार्क्स के सेक्शन टू में जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग जनरल अवेयरनेस एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे ट्वेंटी मार्क्स के दोनों को कंबाइन करके हंड्रेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हंड्रेड मार्क्स कवर करेगा ओके okay? और इस एग्जामिनेशन को देने के लिए दो घंटा आप लोग को टाइम दिया जाएगा ये पेपर आप हिंदी या फिर इंग्लिश में दे सकते हैं ओके okay? और आप लोग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी यह है कि इसमें देखिए किसी भी तरह का नेगेटिव मार्क नहीं रहने वाला है ओके okay? अब देखिए फलेबर्स टॉपिक वाइज फिलेबस देखिए एल टी एफ टी एफ एफ टी एल के लिए जनरल एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी क्लिनिक बायोकेमिस्ट्री ओके तो ये सारे टॉपिक आप लोग स्क्रीन फोट कर लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए अभी के जनरल एप्टीट्यूड के लिए डेटा इंटरप्रिटेशन ओके तो ये सारे टॉपिक मेप टेबल्स ओके रेफियोज पावर परसेंटेज फेरीज मैनफोरे प्रोबेबिलिटी तो ये सारे टॉपिक्स से आप लोग क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस साइंस इन बेनफन एंड डिस्कवरीज बुक्स जियोग्राफी बुक एंड ऑथर इकोनॉमिक इन कल्चर हिस्ट्री स्पोर्ट्स एंड गेम्स तो ये सारे टॉपिक्स तो आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब देखिए रीजनिंग रीजनिंग में एनालॉजी फिरीज कंप्लीसन ओके डेटा सफिफियंट तो ये सारे टॉपिक्स तो आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए ओके okay? अब देखते हैं इसमें फेलरी कि इसमें फेलरी कि फेल कितना मिलेगा तीस में फैलरी देखिए आप लोग का बहुत अच्छा रहने वाला है लेब टेक्नीशियन के लिए अठारह हज़ार एक सौ पचास रुपये पर मंथ इनिशियल रही, ओके लेब टेक्नीशियन के लिए फेम रहेगा और देखिए लेब टेक्नीशियन पंद्रह हज़ार लेब टेक्नीशियन फिफ्थ पोस्ट के लिए ग्यारह हज़ार दिया जाएगा लेब टेक्नीशियन अट्ठारह हज़ार ओके लेप्ट टेक्नीशियन मेडिकल कॉलेज में सत्रह हज़ार एक सौ बानवे तो यह ये देखिए एल टी आई आर एल सी एन डी एच टी के लिए सत्रह हज़ार एक सौ बानवे एल टी सी बी एन ए टी लिमिटेड के लिए एल टी के लिए सत्रह हज़ार एक सौ बानवे फिनियर एल टी इू ए के लिए चौबीस हज़ार दो सौ सैंतीस फे रुपये फेल दिए जाएंगे ओके और देख सकते हैं लेब टेक्नीशियन यू सी एच फी ए के लिए तेरह हज़ार छः सौ सल्फर रुपये दिए जाएंगे फिनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के लिए अट्ठाईस हज़ार पंद्रह रुपये सैलरी दिए जाएंगे तो आई होप आप लोग इस जॉब के अबाउट सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा स्टिल किसी भी तरह का डाउट रहता है देन आप कमेंट कर सकते हैं और अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा हो दिन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्सों में भी शेयर कर दीजिए ताकि जॉब का वर्ड भी जान सकें तब तक ले जय जय भारत